माघ मेले के अंतिम स्नान पर मेला पुलिस ने कसी कमर। संगम स्नान के बाद सभी शिव मंदिरों में दर्शन के लिए उत्तम व्यवस्था देने का दिशा निर्देश दिया गया है। माघ मेले के आगामी स्नान पर महाशिवरात्रि को सकुशल व निर्विघ्न संपन्न कराने हेतु सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। माघ मेला क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन व सुरक्षा के दृष्टिगत व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। संगम स्नान के उपरांत श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई कठिनाई ना हो, इस हेतु वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र द्वारा मेला क्षेत्र के अंतर्गत सभी शिव मंदिरों का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया गया तथा सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। माघ मेला 2022 छठवें एवं अंतिम प्रमुख स्नान पर्व को सकुशल व निर्विघ्न संपन्न कराए जाने हेतु सभी अधिकारियों कर्मचारियों की पुलिस अधीक्षक माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र की अध्यक्षता में ब्रीफिंग की गई है तथा गोष्ठी आयोजित की गई है। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय पांडे व नोडल पुलिस अधिकारी अरुण कुमार दीक्षित तथा समस्त अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, इकाई प्रभारी सहित सभी कर्मचारीगण मौजूद रहे हैं। प्राग एक्सप्रेस न्यूज के लिए सुमित द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। दक्षता से उसी रणनीति के साथ ड्यूटियां लगाई गई हैं। आप उन ड्यूटियों का सख्ती और विनम्रता के साथ पालन कराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे ज्यादातर राजपत्रित अधिकारी वही हैं जो पहले थे और उनके ड्यूटी के कौशल को, उनकी दक्षता को मैंने देखा, न केवल माघ मेला की ड्यूटियों के दौरान बल्कि जिले में जब भी जरूरत पड़ी तो इनकी ड्यूटियां लगाई गई थी और उन्होंने बखूबी अपनी ड्यूटियों को अंजाम दिया है। मैं इनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। हमें उम्मीद है कि कल जो महाशिवरात्रि का बहुत ही श्रद्धा वाला पर्व है, जिसमें संगम स्नान करने के पश्चात श्रद्धालुगण भगवान भोले शंकर के तमाम मंदिरों में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें भी आप बढ़ चढ़ करके उसी ऊर्जा के साथ ड्यूटियों का निर्वहन करेंगे और मेला और स्नान की श्रृंखला को संपन्न कराते हुए आप इन ड्यूटियों को अंजाम देकर मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ एक उपलब्धि हासिल करते हुए भाव के साथ आप अपने अपने जिलों को